दोस्तों ये देखिए टाइगर, ये देखिए दोस्तों क्या पानी चल रहा है और रपटों में पानी आया हुआ है बाहर की ओर। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा खाने की तलाश में रहते हैं क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ आती हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ ले जाए। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और मैं आपका दोस्त एंड दोस्त अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग जोन। तो हम इस समय सीतावनी की लाल पहाड़ी की ओर और जाएंगे यहाँ से सीतावनी के एंड पॉइंट तक और दिखाते हैं आपको, कराते हैं जंगल एन्जॉय इस बरसात के मौसम में। बरसात तो फिलहाल रुक चुकी है और ये देखिए आप चेक करिए, सामने की साइड है लाल पहाड़ी। तो दोस्तों इस लाल पहाड़ी से जाएंगे वापस सीतावनी के एंड पॉइंट तक और रास्ते में जो भी वाइल्ड लाइफ दिखाई देती है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि इस बरसात के मौसम में क्या देखने को मिलेगा। वैसे अक्सर जो वाइल्ड लाइफ बाहर की ओर निकलती है पानी पीने या गर्मी से बौखला के, तो इस समय पानी की कमी जंगल में ही पूरी हो चुकी है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या देखने को रास्ते में मिलेगा। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि घना जंगल और यहीं इस जगह ही हमने कई बार आपको टस्कर एलिफेंट और कई बार एलिफेंट के पूरे पूरे ग्रुप दिखाए। तो चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा जंगल में जगह जगह पानी भरता हुआ। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम कवर करेंगे सीतावनी के एंड पॉइंट तक और फिर जाएंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, दिखाएंगे आपको गिरजा मंदिर। तो दोस्तों निकल के जाते हैं इधर की साइड से आगे की ओर और ऐसे जो बरसात के बाद अचानक धूप निकलती है तो इसमें वाइल्ड लाइफ बौखला के निकलती है बाहर की ओर। और इसी जगह हमने दिखाया था आपको एक बार टाइगर, अभी आपको वो जगह भी दिखाता हूँ कि इधर ही की साइड हमें टाइगर भी दिखाई दिया था क्योंकि ये है एक कोर टाइगर टेरेट्री और इधर की साइड एक मेल, तगड़ा मेल टाइगर रहता है। तो दोस्तों अक्सर वो आपको देखने को रोड क्रॉस करते हुए मिल जाएगा, बाकी सब नसीब के ऊपर है कि देखने को मिले या ना मिले। अभी आपको दिखाते हैं वो जगह। ये देखिए दोस्तों इधर की साइड जंगल में कुछ रोड सी बनी होती है, ये देखिए कुछ पगडंडी दिखाई दे रही है, अक्सर टाइगर और एलिफेंट भी जाते हैं इसी रोड पर। तो वो टाइगर आया था इधर की साइड से और निकल गया इधर आगे की ओर। दोस्तों ये देखिए टाइगर, ये अंदर की ओर जाता हुआ। तो चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों हम आ चुके हैं जामुन वाले पैच में और इधर ही की साइड अक्सर काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाती है। आप देखिए सामने की साइड जामुन वाला पैच और इसमें आ रही हैं बड़ी सुंदर सुंदर जामुन, तो आप इस जामुनों को खा भी सकते हैं पर इधर की साइड उतरना है मना क्योंकि ये है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और इधर की साइड अक्सर आपको वाइल्ड लाइफ क्रॉस करते हुए मिल जाएगी अंदर जंगल की ओर। तो चलते हैं और देखते हैं कि आगे की साइड और क्या देखने को मिलता है। और आगे की साइड आएगी ग्रासलैंड जो है सीतावनी का मेन पॉइंट। तो देखते हैं कि इधर ग्रासलैंड में क्या मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इधर की साइड कुछ लोग फोटोशूट करते हुए जो कि हो सकता है काफ़ी खतरनाक, ये आप देख सकते हैं कि इधर की साइड कुछ लोग फोटोशूट करा रहे हैं। तो दोस्तों ये है बिल्कुल कोर टाइगर टेरिटरी और इधर की साइड हमने आपको दिखाया था टाइगर के कुछ स्क्रैच मार्क जो कि पेड़ों पे अपने पंजों के निशान लगाता है जिससे करता है टाइगर टेरिटरी मार्किंग। तो यही वो जगह है जिधर की साइड हमने आपको दिखाया था टाइगर के मार्किंग। तो दोस्तों ये बिल्कुल घना जंगल है और इधर की साइड कहीं भी आपको कुछ भी अचानक देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं, क्या पता कुछ वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाए। फिलहाल अभी बारिश के बाद कुछ भी वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिल रही
क्योंकि बारिश से कुछ अंदर की साइड छुप के बैठ जाती है। और अब बारिश रुकी है तो हो सकता है कि शाम के वक्त फिर निकल के आए बाहर की ओर। तो चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप जाके हमारे पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं कि इधर की साइड हमें दिखाई दिया था लेपर्ड, और जो एक स्पॉटेड डियर के पीछे भागता हुआ स्पॉटेड डियर बहुत ही तेज़ी में आया और भाग के चला गया अंदर जंगल की ओर। तो हम फिर आगे निकले तो उसके बाद एक बाइक वाले ने बताया कि इधर की उसके पीछे था एक लेपर्ड जो कि भाग के बड़ी तेज़ी में उस स्पॉटेड डियर के पीछे भागा। तो दोस्तों ये जंगल है और यहाँ कहीं भी अचानक आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं जंगल की खूबसूरती। इस बरसात के मौसम के बाद आप वाइल्ड लाइफ तो काफ़ी कम देखने को मिलती है, पर इधर जंगल की खूबसूरती देख सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि और क्या देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों अभी इधर की साइड स्पॉटेड डियर अंदर जाते हुए। फिलहाल गोप्रो का ज़्यादा वाइल्ड एंगल होने के कारण वो कैप्चर नहीं हो पाए। खड़े तो हैं पर शायद और अंदर की ओर जाते हुए, अभी रुक के देखते हैं। तो दोस्तों इधर की साइड बोर्ड लगाए, ये वन्य जीव बहुमूल्य क्षेत्र है, कृपया वाहन धीरे चलाएं। तो दोस्तों ये पूरा कोर टाइगर टेरिटरी है और इधर की साइड आपको काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर, एलिफेंट और लेपर्ड भी देखने को मिल जाएंगे। आगे की साइड बैठा है कुछ बंदर। तो देखते हैं कि इस बरसात के मौसम में क्या देखने को मिलता है। तो चलते हैं और देखते हैं, क्या पता कुछ वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाए। इधर की साइड बंदर, ये देखिए रोड साइड पे कुछ आपको मंकी भी दिखाई दे रहे होंगे जो बरसात रुकते ही निकल के आए बाहर की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा खाने की तलाश में रहते हैं क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ आती हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ दे जाती हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जंगल में कुछ गाँव के लोग आते हुए। इस बरसात के बाद कुछ लकड़ी बीनने, कुछ और भी चीज़ें ये जंगल में जाते हैं। ये देखिए दराती लेके जा रही हैं जंगल में, जो कि हो सकता काफ़ी ख़तरनाक। ऐसे ही इन पर टाइगर और लेपर्ड कर देता है छुप के हमला। तो दोस्तों ये जंगल है और इधर की साइड पैदल ना चलें, और ख़ासकर जंगल के अंदर तो बिल्कुल ना जाएं। ऐसे ही हमला कर देता है टाइगर इन पर, और फिर उसके बाद होता है कि रहती है गवर्नमेंट से शिकायत। तो दोस्तों हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी है क्योंकि ये जंगल है, ये वन्य जीवों का क्षेत्र है। अगर हम इसमें दस्तक देंगे तो फिर टकराव तो होगा ही, तो ये काफ़ी गलत होता है। अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखें, और जंगल में कहीं भी आपको आमना सामना वाइल्ड लाइफ से हो सकता है। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि इस बरसात के मौसम में और इस सुंदर व्यू में और क्या देखने को मिलता है। क्या पता वाइल्ड लाइफ लगाए और चार चांद। तो दोस्तों हमारे आपने पिछले ब्लॉग में जाके देख सकते हैं, इधर की साइड हमें दिखाई दिया था टस्कर एलिफेंट जो कि इधर ही की साइड खड़ा था, रोड क्रॉस करके गया था अंदर जंगल की ओर। और आप देख सकते हैं कि आज इधर की साइड कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों ये जंगल है और यहाँ अचानक आपको कुछ भी दिखाई दे सकता है। तो चलते हैं, और शाम के वक्त ज़्यादा वाइल्ड लाइफ निकलती है इधर की ओर। तो दोस्तों ये आ गई टेढ़ा वन क्षेत्र की चौकी। तो दोस्तों ये सीतावनी की मेन चौकी है, और इधर की साइड जितनी भी जीप जंगल सफारी के लिए जाती हैं वो यहाँ अपना परमिट चेक करा के फिर निकलती हैं आगे की ओर। और ये देखिए दोस्तों जंगल में कुछ गायें घूमती हुई जिन्हें अक्सर अपना टाइगर शिकार बनाता है, और ये इधर की साइड एक भाई की गाड़ी ख़राब हो गई। तो दोस्तों ये जंगल है और यहाँ अचानक आपकी गाड़ी भी ख़राब हो सकती है, तो आसपास देख के ही सही करें क्योंकि अक्सर लेपर्ड या टाइगर भी कर देता है हमला। ऐसे ही गाड़ी वालों पे जैसे जंगल में ख़राब हो जाती हैं तो मजबूरी है उतरना, तो अचानक टाइगर या लेपर्ड भी कर देता है पीछे से हमला, क्योंकि जब वो शेप देखता है तो उसे लगता है कि कोई वन्य जीव है तो पीछे से हमला कर देता है। तो चलते हैं आगे की ओर, और आप देख सकते हैं कि इधर की साइड ये सुंदर और घने घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जो अभी कुछ दिन पहले जंगल बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा था वो अब फिर से हरा भरा हो चुका है। सामड़िया। सामड़िया नहीं, कुछ
और दोस्तों इधर की साइड दिखाई दे रहा है सामा डियर, ये देखिए कुछ आपको सामा डियर दिखाई दे रहा होगा, और अभी आपको जूम करके दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं अभी अपने डिजिटल कैमरे से। ये देखिए इसके ऊपर आपको एक बर्ड भी दिखाई दे रही होगी। ये देखिए क्या सुंदर व्यू है, और इसके ऊपर बर्ड्स करती हैं, इसके ऊपर जो भी छोटे छोटे कीड़े और भी कुछ चीज़ें होती हैं उसे खाते हुए, तो ये इनके शरीर की सफाई करती हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ इधर का व्यू, और ऊपर भी हो रहे हैं बिल्कुल बादल। ये देखिए ये उन्हें कौओं को हटाता हुआ, ये देखिए क्या सुंदर व्यू है। और ऐसे ही कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे आपको अचानक जंगल में देखने को मिल जाएंगे, और ऐसा सामा डियर बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जो सींग है वो बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए और ऊपर की साइड चेक करिए क्या सुंदर नज़ारे। तो ये शाम के वक्त कुछ घास खाता हुआ, और अभी हो सकता है ये पेट पूजा करके जाए रोड क्रॉस करके अंदर जंगल की ओर। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इधर की साइड है बिल्कुल घना जंगल, और बरसात के बाद जंगल की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, पर दोस्तों ऐसे ही बरसात के मौसम में ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसी बड़ी बड़ी झाड़ियों में छुपा होता है टाइगर या लेपर्ड। और इधर की साइड आप देख सकते हैं इधर की साइड एक सामा डियर, ये देखिए जो कि घास खाता हुआ इस बरसात के मौसम में और खुले व्यू का लेता हुआ एंजॉय। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्तों आप सामने इतना पानी है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों क्या पानी चल रहा है, और रफ्तों में पानी आया हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये एक युवा रनिंग करते हुए जंगल में। तो दोस्तों ये है कोर टाइगर टेरिटरी, और इधर की साइड काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही कर देता है टाइगर जंगल में हमला। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, और इधर की साइड पैदल ना चलें। अक्सर जगह जगह लिखा होता है कि ये जंगल है और यहाँ ऐसी गलती ना करें। आप देख सकते हैं कि इधर की साइड कितना पानी आया हुआ, और गाड़ियाँ भी रुक रुक के जा रही हैं, क्योंकि इधर की साइड मलबा भी बह के आ रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए आगे की ओर, ये देखिए, और इधर की साइड भी है घना जंगल। तो दोस्तों ये जंगल का बिल्कुल एंड पॉइंट चल रहा है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसी सुंदर सुंदर जंगल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।